तो एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, बहुत प्रेरणादायक कहानी, और उसमें आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। एक कहानी मुझे किसी ने शेयर किया था और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो आज मैं आप सबको सुनाता हूँ, शायद आप लोग भी इस कहानी से काफ़ी कुछ प्रेरणा पाएँ। आप समझें कि अच्छा टीचर क्या होता है और स्टूडेंट क्या होता है, दोनों इसमें पता चलेंगे, ठीक है। एक अच्छा टीचर और स्टूडेंट दोनों के बारे में पता चलेंगे। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक क्लास थी जिसमें 14 से 15 बच्चे थे, है ना, छोटी क्लास थी, एक क्लास थी जिसमें 14 से 15 बच्चे थे, और एक शिक्षक बिल्कुल नया ज्वाइनिंग लेटर मिला था उसे, एक शिक्षक थे, उन्हें नया ज्वाइनिंग लेटर मिला था पढ़ाने के लिए, टीचर हो गए थे वो। तो वो क्लास में पहले दिन पहुँचे, तो पहुँचने के बाद वो जब पहुँचे तो देखे तो 13 बच्चे गायब थे, एक बच्चा बैठा हुआ था, सिर्फ एक ही था, बाकी के 13 गायब थे। तो टीचर जब पहुँचे और देखे अटेंडेंस शीट, देखा 14 बच्चे टोटल हैं और उनमें से 13 नहीं है, एक है, तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि आज क्लास क्या चलाऊं, यहाँ तो सिर्फ एक ही बच्चा है, बाकी के 13 तो गायब हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि सर, मेरे घर में 14 गायें हैं, मेरे घर में 14 गायें हैं, और यदि किसी दिन 13 गाय नहीं रहती या कहीं चली जाती हैं, कुछ हो जाती है, एक गाय बचती है, तो क्या मैं एक गाय को उपवास करवा दूं, उस दिन उसको चारा डालने ना जाऊं, उसे भूखा मार दूं, यदि 13 गाय चली जाए कहीं, एक गाय बचे तो मैं उनको चारा डालते समय चारा ना डालूं। टीचर उस बच्चे की बात को सुनकर दंग रह गया, बोला क्या बात कह दी इस बच्चे ने, खुश हो गया, और खुश होने के बाद बोला बेटा बैठो, तुम मैं हूँ और तुम हो और ज्ञान बरसेगा आज। तो जितना अनुभव था उसका, वो पूरा अनुभव सोचा कि अब इसको इतना पढ़ा दूंगा कि इसको कमी ख़त्म हो जाएगी, पूरा जो है इसको मैं पढ़ा ही दूंगा कंप्लीट। तो उस बच्चे को बैठाया और 2 घंटे तक ज़बरदस्त पढ़ाया, इसको इसने आज दिल जीत लिया। और जब क्लास ख़त्म हुई तो पूछता है कि बताओ बेटा कैसी लगी मेरी, पढ़ाने का तरीका कैसा था, कैसा लगा। तो बोला कि सर, आपके पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप अच्छे नहीं लगे। तो पूछा क्यों, बोले सर यदि 13 गायें चली गई थी तो मैं एक गाय को 14 गायों का खाना नहीं डाल देता, उसको उतना ही डाल के आता। मतलब आपने आज मुझे 14 सभी का एक ही साथ पढ़ा दिया, यदि 13 गाय नहीं है तो एक गाय को एक गाय का ही खाना तो दिया जाएगा, तभी तो उसे पचेगा, यदि मैं 14 के 14 गायों का खाना डाल लूँगा। तो बोले पढ़ाने का तरीके में मैं आपके कोई शक नहीं करता, आपको ज्ञान है, लेकिन आपने जो पढ़ाया, जो तरीका आपका था वो गलत था, आप सही आदमी नहीं है। तो टीचर जो है समझ गया और उसने अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखा। तो क्लास में एक बच्चा आए, 2 आए 4 आए 5 आए, टीचर का फर्ज होता है पढ़ाना, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ा देना कि अगले दिन, है ना, मास्टर वीडियो सबके बस की बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये था, है ना, कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान दिया जा सके। ये था कहानी का सार, शायद आप समझ गए होंगे।